तो हेलो दोस्तों, बांग्लादेश दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, दो नए खिलाड़ियों की अचानक हुई एंट्री। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश के लिए भारतीय टीम का स्काउट तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है। कीवी टीम के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टीम बांग्लादेश दौरे पर जाने वाली है। इस दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया की वनडे स्काउट का ऐलान हो चुका है। अब इस टीम में दो नए बदलाव भी बीसीसीआई ने किए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए सभी दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो चुकी है। बता दें कि ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज से बाहर थे। कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली भी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरने वाले हैं। इसके अलावा चोटिल रविंद्र जडेजा और यश दयाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने कुलदीप सेन और शाहबाज अहमद को चुना है। इसके अलावा टीम में रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी को भी जगह दी गई है। अगले साल वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई ने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है। हालांकि चौंकाने वाली खबर ये रही कि बिना किसी मैच में मौका दिए संजू सैमसन को एक बार फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह ईशान किशन और ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर जगह मिली है। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम किस प्रकार से स्काउट तैयार किया गया है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर और कुलदीप सेन इस टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।